एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, अभी ना वेडिंग सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर आपको भी एज अ गेस्ट कहीं जाना है तो आप इस तरीके का मेकअप लुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और यही आज के ट्यूटोरियल है। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज अपना मेकअप आई मेकअप से शुरू कर रही हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर मैक्स एंड मोर का आई शेडो पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज में स्मर्च कर रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर हिमालय का काजल लिया है आंखों के ऊपर और आउटर साइड में थोड़ा सा लगाने के बाद उसे इस तरीके से बफ आउट करना है या फिर स्मर्श करना है ताकि हमारे आई को ये साइड कॉर्नर से थोड़ा सा स्मोकी लुक दे और ये आई शेडो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हल्का स्मोक आउट हुआ और आप देखेंगे फाइनल लुक। ऑलराइट, तो मैंने अब यहाँ पर अच्छे से काजल को स्मर्च कर लिया है और अपने एंगुलर ब्रश की मदद से मैं इस आई शेडो को फॉलो करते हुए थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लगा रही हूँ ताकि मेरी आई में जो ब्लैक कलर है उसको थोड़ी डेंसिटी मिल जाए, वो थोड़ा इंटेंस लगे और शेड मतलब जो पिगमेंट है वो थोड़ा डार्क आए, और इस तरीके से हमने उसको भी स्मर्च कर लिया है। यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ लिक्विड ग्लिटर आईलाइनर और इसका ब्रांड नेम और इसका शेड मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस ग्लिटर आई शेडो के ऊपर मैंने लगाया है मैक्स एंड मोर से बहुत ही खूबसूरत सा ये कॉपर कलर का और गोल्डन मिक्स करके आई शेडो और उसे अपने हाथों से मैं स्मर्च कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर काजल अप्लाई करूँगी वाटर लैश लाइन पर और इसको अच्छे से स्मोक आउट करने के बाद हम इसको भी बहुत ही खूबसूरत सा लुक देंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसको ब्रॉड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आज मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ और मैंने यहाँ पर प्राइमर लगाने के बाद अपना फाउंडेशन लगा लिया है जो है MN जनरेशन 2 का और कंसीलर है LA Girl प्रो कंसीलर इन द शेड आइवरी और मैंने इसको अच्छे से स्मर्च कर लिया है और अपनी आंखों को एक बार फिर से टचअप दिया है स्मोक आउट का। अब यहाँ पे हम कंटूर करेंगे फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। वेल, अब बारी आती है हमारे ब्लश ऑन की और इसके लिए मैं बहुत ही इजी सा मिस रोज़ का ये लाइट शेड पीच कलर है ये वो अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इतना ही लाइट रखना पसंद कर रही हूँ अपने इस लुक के लिए। यहाँ पर मैं अब हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड ब्लश एंड हाईलाइट गोल्ड कलर और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी ताकि ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। सो गाइज, आज का लुक क्रिएट करने के लिए मैंने डिसाइड किया था लिपस्टिक को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके लगाएंगे और ये जो लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है लॉरेल पेरिस रूज सिग्नेचर कलेक्शन से इन द शेड 114 आई रिप्रेजेंट और इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ इसी ब्रांड का दूसरा शेड जो है 105 आई रूल और ये मिक्स होकर के कुछ इस तरीके का लुक देता है। लाइनर मैंने लगा लिया है और मस्कारा भी लगा लिया है और अब आप देख सकते हैं मेरा ये कंप्लीट फिनिश लुक। गाइज, ये लुक चाहे आप वेस्टर्न वियर पहन रही हो या ट्रेडिशनल वियर, ये दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और किसी के शादी में ना तो ये ओवर लगेगा और ना ही एकदम फीका लगने वाला है, मतलब ये अप टू द मार्क लगेगा। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक एज अ वेडिंग गेस्ट रिसेप्शन या फिर कोई भी में आप कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, माई हैंडल इज स्टाइल विद शिवी।